नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आपके बीच में हूँ। हम इस समय शशि पब्लिक स्कूल की अगर के अंदर यहाँ पर हमारे बीच में संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हमारे बीच में हैं। शशि पब्लिक स्कूल की बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जनहित से जुड़े हुए भी होते हैं। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर के अंदर टीचर्स डे के दौरान भव्य ऐसा कार्यक्रम, 5 सितंबर के दौरान ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ जो देखने दिखाने लायक था। टीचर्स को सम्मान दिया गया, प्रमुख बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित यहाँ पर किया जाता है और किया भी गया। शहीद भगत सिंह जी की अगर जयंती पर भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, क्या शुभकामना, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं भारत टीवी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो समय समय पर आकर अगर हम किसी वजह से कोई वाक्य या कोई इस तरह का पवित्र दिन महापुरुषों का भूल जाते हैं या और कोई फंक्शन के बारे में, तो आप लोग याद दिलवाते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज हमारे देश के क्रांतिकारी वीर स्वर्गीय श्री भगत सिंह जी का 28 सितंबर 1907 में पंजाब में जन्म हुआ था जी। वे बहुत ही क्रांतिकारी विचार के थे, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, वो नारा सिर्फ उन्हीं के द्वारा दिया गया था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने पंजाबी, बंगला, उर्दू भाषाएं सीख ली थी और प्रारंभ से ही वो अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा तीव्र बुद्धि माने जाते थे जी। उनके पिताजी उनको पढ़ा लिखा कर नौकरी कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जो है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अंग्रेजों से हमेशा लोहा लिया जी। और अपने क्रांतिकारी वीरों में सावरकर जी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा जो आगे चलकर उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया। इनके क्रांतिकारी विचारों से ही और कुछ नरम दल के जो लोग थे जी, जी। चाहे वो महात्मा गांधी जी थे हमारे, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जी। या हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हम आज इसी बात को लेकर अपनी ज़िंदगी के वो दिन जी रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। आज 74-75 वर्ष हो चुके हैं जी। देश को आज़ाद हुए, अगर हम उनको याद भी नहीं कर सकते ऐसे वीरों को जी, तो ये हमारी भूल होगी। इन्होंने 1931 में ही बिना किसी सूचना के इंग्लैंड में जाकर बम विस्फोट किया था। और उन्होंने खुद कहा कि हाँ ये मैंने किया है। उसके दो वर्ष बाद 1929 में उन्होंने बम विस्फोट किया और 2 साल जो है मुकदमा चला इन पर चला। और फिर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लोगों, जनता को, अपने देशवासियों को, कि उनके पिताजी ने उनकी पैरवी के लिए कार्य किया, लेकिन शहीद भगत सिंह ने अपने पिताजी को ये कहा पत्र के माध्यम से कि जब मैं कोई पैरवी करवाना ही नहीं चाहता हूँ, आप मेरी पैरवी क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है कि मुझे जो है फांसी होगी और पैरवी का कोई फायदा नहीं है कि जब मैं, आपने मेरी सलाह लेनी चाहिए थी पिताश्री, और आपने जो है मेरी सलाह के बिना मेरे को एडवोकेट की हेल्प करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे उनके विचार थे। कुल ये देखिए कि 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने झूल हंसते हुए फांसी खा ली थी। तो ऐसे शहीद के लिए आज हम नमन करते हैं, पूरे देश को के लिए गौरव की बात है कि ऐसे वीर सपूत हमारे देश में हुए।
वर्मा जी वही बात करें दिल्ली सरकार की, आज पाठ्यक्रम भी स्कूल के अंदर ये देशभक्ति के शुरू करवाए गए। देखिए, इसके लिए हम दिल्ली सरकार को जो है धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे हमारे वीरों के बारे में अगर पाठ्यक्रम और भी बहुत सारे हैं जी, बल्कि यही चाहेंगे कि अगर इस तरह के और हम क्यों उनको महान अकबर को याद करें जी, हम पृथ्वी सिंह को याद करें, जिस तरह महाभारत और रामायण को हम याद करते हैं जी, हमारे सब जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, वो हमारे सब सम्माननीय हैं। आज स्कूल के अंदर कार्यक्रम आपने पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए? पाठ्यक्रम तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जी, गवर्नमेंट की सूचना आई, एक दो दिन में जो होगा उस तरीके से उनके अनुसार ही करेंगे। वही भगत सिंह जी ने नारा भी दिया, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उन्होंने जो नारा दिया है या इंकलाब जिंदाबाद कहा है, ये गॉड गिफ्टेड उनके अंदर से जो है एक भावना निकलती थी, एक ऊर्जा निकलती थी, इसलिए वो महान कहलाए। 1 अक्टूबर को भारत विकास परिषद के द्वारा भी क्या कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं? 1 अक्टूबर को शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारत विकास परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है जी, और उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज बहुत नुमाइंदे हैं, वे प्रत्येक वर्ष की तरह बहुत स्कूलों में दो दो बच्चों को वो सम्मान देते हैं, उनको प्रतीक चिन्ह देते हैं, और चुनिंदा जो स्टाफ की टीचर होती हैं अच्छा कार्य करती हैं उनको पुरस्कार देते हैं। हम उनके इस प्रेम भाव से जो है उनको धन्यवाद देते हैं और आपको भी आग्रह करते हैं कि आप सुबह आकर उस प्रोग्राम को अटेंड करें, और उसके साथ ही 2 अक्टूबर की क्योंकि सरकारी छुट्टी होती है जी, तो हम 1 अक्टूबर को ही स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में बच्चों को जो कार्यक्रम करवाया जाएगा एक दो दिन पहले, उसको आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, बच्चे यहाँ पर बोलेंगे, उनके बारे में बोलेंगे। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने शहीद भगत सिंह जी के बारे में कोटि कोटि नमन करने के साथ साथ क्रांतिकारी विचार अपने पेश किए। वहीं अब आपको दिखाते हैं कि अभी जो 5 सितंबर को टीचर्स डे के दौरान स्कूल के अंदर कार्यक्रम हुआ, एक छोटी सी फिल्म, उसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।